देने की बात है, आपको सब समझ गए होंगे। केवल अंतिम दो पंक्तियाँ उच्चारण करेंगे, सारा भजन बोलने का समय नहीं, समय की एक मर्यादा है। ओ तेरे द्वारे पे जो आ गया कोई भी न खाली गया, जिन्होंने हम जैसे कुछ जीवों को अपने शरीर में रख के हमने हमारे जीवन को बदल दिया।
नजरें झुकाए
सोने मेरे सांवरे दा मुखड़ा कमाले देख देख
हृदय सम्राट हृदय आसीन श्री नंगली निवासी भगवान आदरणीय सभी संत महापुरुष गुरुभक्तों माता व बहनों सन 2005 हमने इसी तरीके से नाचते और गाते हुए शुरू किया था और आज नाचते गाते हुए ही इस 2005 को हम धन्यवाद दे रहे हैं कि उसने सारा वर्ष हमको ऐसे ही अपने आप में मस्त रखा, हमसे गवाता रहा, नचाता रहा, आनंद में रखा इस 2005 में, इसलिए संत को धन्यवाद दें। और 2006 में अब हमें फिर प्रवेश करना है इसी तरीके से नाचते और गाते हुए। श्री गुरु महाराज जी के सानिध्य में हम बिल्कुल उनके पास हमें एक मौका मिलता है। भाग्यशाली हैं वो लोग जो श्री गुरु महाराज जी से आशीर्वाद लेकर के और नया वर्ष जीने के लिए फिर शुरू हो जाते हैं। और श्री गुरु महाराज जी हम पर हर वर्ष ऐसे ही कृपा करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे, ऐसी उनसे आशा भी है, करते ही रहेंगे। एक बात कहना चाहता हूं, अभी हमारे परम शनि भैया अभय योगानंद जी ने कहा कि उसको बार बार कहा जा रहा है, पर पता नहीं वो कितनी पी बैठा है कि उसे इनकी बात सुनाई नहीं दे रही है। हाँ, कभी कभी लोग ज्यादा भी पी जाते हैं ना, वैसे ही होगा। पर इस बात का तो निश्चित आप मान के चलो, अगर संत की आज्ञा को नहीं मानना है तो तुम्हारा मन तुमको बहुत नीचा ही मिल जाएगा, एकदम गहरी गड्ढे में गिरा देगा। क्योंकि मन तो मौका ढूंढता है कब मैं किसको धक्का दूं और गिराऊं गड्ढे में। एक संत ही है जो आज्ञा दे देकर और उसको इस तरीके से धीरे धीरे ऊपर की तरफ को लेकर चलता है। हमारा मन तो एकदम नीचे में ले जाने के लिए 24 घंटे ताकी रहा है, है ना? इसलिए आज्ञा को महत्व दो जरूर, ये मेरी भी प्रार्थना है। संत की आज्ञा को, संत के वचन को अगर आप संभाल कर रखेंगे तो निश्चित वह वचन, वह संत की आज्ञा कल्याण करने में सहायक होगी। श्री गुरु महाराज जी वचन ही फरमाते थे, किसी को भी कह देते थे कुछ भी, तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें ऐसे रहना है, एक वचन फरमाते, फिर वो संत महात्मा सब उसी तरीके से उनके उस वचन को लेकर चलते रहते थे। मुझे याद आया कि वो मतंग ऋषि जी महाराज जब जाने लगे अपने धाम को और ज्योति जोत समाने लगे तो उन्होंने एक वचन दिया माता सबरी को कि सबरी देख, मुझे तो राम मिलेंगे शरीर छोड़ने के बाद और तुम्हें राम मिलेंगे इसी शरीर में, इस शरीर के रहते हुए, इसलिए तुम इस कुटिया को छोड़कर मत जाना। बस ये वचन फरमाया, तुम इस कुटिया को छोड़कर यहां से जाना नहीं, ठीक है? और माता सबरी ने इस वचन को अपने हृदय में रख लिया और फिर वो कभी उस कुटिया को छोड़कर कहीं अन्य स्थान पर कहीं गई नहीं, किसी तीर्थ में नहीं गई, किसी मंदिर में नहीं गई, किसी और आश्रम में नहीं गई, वो कहीं गई नहीं, वहीं रही, उसी कुटिया में रही, बस उसके आसपास ही घूमती थी, वहीं थोड़ा साफ करती रहती थी, वहीं रास्ता साफ करती रहती थी, राम आएंगे, क्योंकि मेरे गुरुजी ने कहा है। वचन में आस्था थी और वचन के प्रति पूरी श्रद्धा थी उनके पास, इसलिए उन्होंने उस वचन को त्यागा नहीं। और कितनी देर तक, ऐसे नहीं इनको तो जिनको कहा गया इनको तो थोड़ी देर के लिए कहा गया है मच्छर, और माता सबरी इतनी देर भी ये लोग नहीं रख सके इस बात को, पर माता सबरी ने कितनी देर उस वचन को रख करके और वहां रही, 1100 साल
1100 साल के बाद राम आए थे उस कुटिया में। इतनी देर तक उस वचन को लेकर रहना, और यही कारण था कि उस वचन को लेकर सबरी माता रह रही है तो राम को ढूंढना पड़ा। सबरी को सबरी ढूंढने नहीं गई, राम ढूंढते फिरे सबरी को और पूछते फिरे ऋषि मुनियों से, इधर एक माता रहती है हमें जरा उनको मिलना है। राम पूछ रहे ऋषि मुनियों से, दूसरे जंगल के लोगों से पूछ रहे, इधर एक माता रहती है सबरी, हमें उसको मिलना है, बता दो किधर है उसकी कुटिया। तो बता देते हैं इधर जाओ, ऐसे जाओ, उधर जाओ। राम ढूंढते फिर रहे हैं किसको, जिसने वचन रख लिया अपने गुरुदेव का अपने हृदय में, उस वचन की ऐसी महिमा कि राम ढूंढ रहे हैं सबरी को। इसलिए भाई ये हमेशा अपने पास इस विदा होते हुए वर्ष में ये बात है, अगर इसे हम संभाल के रख लें अपने जीवन में कि हमारे श्री गुरु महाराज जी ने भी कुछ वचन कहे जो हमारे लिए युगों युगों तक, अगर कोई भी उस वचन को कभी भी पालन करेगा निश्चित वह सत्य होंगे, युगों युगों तक वो वचन ज्यों के त्यों सत्य होते रहेंगे। जब जब भी किसी को स्मरण आए उसका पालन कर लें, और वो है सेवा और सिमरन। ये दो बातें वो अक्सर कहते रहे, फरमाते रहे अपने काल में, सेवा और सिमरन। इन दो बातों को जो भी प्रैक्टिकल अंजाम देता रहेगा ये निश्चित मान कर चले, श्री गुरु महाराज के चरणों में हम सब बैठे हुए हैं, यह सत्य ही होगा और इससे हमारा कल्याण निश्चित 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 बोलो जयकारा। और 2006 में मैं एक बात आपको बता रहा हूं, कुछ सेवाएं शुरू होने वाली हैं यहां। 2006 में आप एक एक बार एक संकल्प तो ले लो अपने मन में, चाहे एक दिन दो दिन चार दिन, जिसके पास जितना समय मिले वो यहाँ आकर, और यहाँ पर जो जिम्मेवार व्यक्ति हैं वो जो भी सेवा यहाँ चलेगी उसमें हिस्सा लें, सिमरन भी होगा और सेवा। 2006 में आपको ये प्रैक्टिकल करना है, सबको करना है। जो भी सेवा यहाँ चलेगी, चाहे वो बिल्डिंग बनाने की है चाहे कुछ और है, उसमें आप कोई एक दिन कर सकता है कोई दो दिन कर सकता है, जिसके पास जितना समय वो अपना यहाँ सेवा करने के लिए अपने आप को तैयार करें। ये 2006 में एक बात अगर आप लागू कर देते हैं तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में फिर हर वर्ष इसी तरीके से हमारे लिए अधिक लोगों को जो है इस मामले में इस सेवा में जोड़ता चला जाएगा और सबको इसका लाभ बड़ा बड़ा मिलेगा। उसको मैं पहले से कहना नहीं चाहता, वो स्वयं अनुभव करेगा वास्तव में इसका फल क्या हुआ, इसका अंजाम क्या हुआ, वो स्वयं अनुभव करेगा और स्वयं अनुभव करेगा और फिर कभी मुझे बताए हाँ हमें ऐसा हुआ तो मुझे बेहद खुशी होगी, बेहद खुशी होगी। इसलिए सन 2006 में सेवा शुरू होने वाली है यहाँ, और उन सेवाओं में हमको प्रैक्टिकल अभ्यास मतलब उसमें जो है जुड़ना है उसमें, है ना। अब वो मैंने पहले बता दिया, एक दिन दो दिन हफ्ता दस दिन, जिसको जितना मौका लगे उतना उतना करना है, ज्यादा नहीं कहना चाहता। और क्योंकि अभी तो हमारे स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज बैठे हैं और भी कुछ संत बैठे हैं, ये बोलेंगे मैं विद्वान नहीं हूँ ना, मैं तो ऐसे ही गांव का अनपढ़ सा व्यक्ति हूँ, इसलिए खास नहीं कह सकता, पर इतना जरूर मेरे मन में होता है कि हम लोग यहाँ पर हर वर्ष जरा आप जितने लोग आए इसी के आ गए अच्छी बात है, पर अपने पड़ोसियों को जरा फिर भी बताना, क्योंकि पड़ोसी रह गए हैं तुम्हारे जो है जो नहीं आ सके हैं, और नया साल यहाँ से शुरू हो इससे बढ़िया मैं और कुछ समझता नहीं, मैं तो समझता नहीं, नया साल यहाँ से शुरू होना ही चाहिए बिल्कुल जो है, और पुराने को भी हम सार्थक कर रहे हैं जो नहीं आ सके इस पूरे साल में, जो आज आ गए समझ रहे वो पूरे साल ही आ गए, क्योंकि 2005 में उन्होंने अपनी हाजिरी लगा ली है। और एक बात और कह देना चाहता हूँ जो मुझे मालूम है, आपको मालूम है या नहीं मालूम मुझे नहीं पता, पर मुझे मालूम है श्री गुरु महाराज जी के लोक में कंप्यूटर रखा हुआ है, हाँ, और जितने आप सब यहाँ बैठे हैं सबकी फोटो उस कंप्यूटर में फीड हो रही है, हाँ बिल्कुल एकदम से, और वह चल रहा है वो कंप्यूटर बिल्कुल बराबर, कौन कौन आ गए हैं सबकी वहाँ तस्वीरें जा रही हैं यहाँ से और वो देखी जा रही है वहाँ पर। तो इसलिए बता देना जरा अपने पड़ोसियों को भी अगली बार में कि जरा वो भी आ जाए तो अच्छी बात है।
और उनका भी वहाँ चला जाए फोटो तो बढ़िया रहेगा। देखो इधर भी ये भी बना रहे हैं, बैंड बना रहे हैं, ये बना सर ये भी बना, पर ऐसे भी यहाँ तो बहुत बाद में आया कंप्यूटर, उनके बहुत पहले से रखा है, कई युग पहले से बना रखा है, इसलिए उसमें आप सबकी फोटो जो है फिट हो रही है और कौन कौन क्या क्या कह रहे हैं, कौन कौन कैसे कैसे मान रहे हैं, वो सब रिकॉर्ड वहाँ जा रहा है। इसलिए सावधान होकर के जो है आपने यहाँ रहना भी है और सेवा भी करनी है और सिमरन भी करना, ज्यादा लगे थे वाली को यहीं विराम दूंगा। बोल जयकारा दोस्तों, जो जो भी जब जब भी यहाँ मनाने आता है जो व्यक्ति पहली बार, जितने चेहरे मैं पहचानता हूँ फिर वो आने से नहीं हटते, आते ही हैं हर साल, इसलिए संख्या बढ़ रही है ना। पिछले साल ब्रह्मदेव बहुत कम लोग थे, अब कितने हैं और आगे कितने होंगे, ये उनकी नजर की कशिश और नजर का प्यार है जो आ जाता है, उसे लगता है हर साल आना ही चाहिए, क्योंकि ये नववर्ष की घड़ियां इंसान की जिंदगी की बुनियाद हैं। ऐसा समझो कि एक बार जो सत्संकल्प कर लेता है ऐसे समय में सद्गुरुदेव प्रभु के चरणों में सदा सदा उनके चरणों का प्यारा होता है। महापुरुष बता रहे हैं अपने संकल्प के लिए कि हम प्रभु चरणों में संकल्प करें, बड़ा सुंदर निर्देश और आदेश है, पर लगता है जब कुछ करना होता है, जब कुछ देना होता है, इंसान ने लेना ही सीखा है, देना तो सीखा ही नहीं है। मैं अभी आगरा में था, एक परिवार आया था वहां, एक बहन जा रही थी, यही आती रहती है सदा कि महाराज सेवक को दसवां हिस्सा, दसवंत तो गुरु चरणों में देना ही चाहिए। मुझे बड़ा अजीब सा लगा, सुना है बचपन में भी सुना है पर ऐसा देखा नहीं, ना अपने द्वारा और ना अपने संपर्क में आने वाले लोगों के द्वारा ऐसा देखा ही नहीं। एक बात अजीब सी लगी कि जो फरमाते हैं ऐसा महापुरुष अपने शिष्यों को कि दसवां हिस्सा शिष्य को गुरु चरणों में देना ही चाहिए, अगर एक संत का 100 शिष्य है और वो दसवंत देता है गुरु को, कितना बड़ा अंबार लग जाता होगा उस महापुरुष के पास, फिर उस महापुरुष को भी तो दसवां हिस्सा गुरु चरणों में देना ही चाहिए ना। लेने का ही अधिकार होता है क्या? देने का भी अधिकार होता है, वो तब हो पाता है जब इंसान को लगता है कि प्रभु जो खेल है ये सब आपका बनाया और दिया हुआ है। माँ एक काम में व्यस्त है, बच्चा माँ से मिलना चाहता है, माँ व्यस्त है, बच्चा रोने लगता है, माँ को समय नहीं, उसे अपना काम ज्यादा प्यारा लगता है, एक झुनझुना फेंक देती है बच्चे के सामने, खिलौना फेंक देती है, शायद बच्चा संतुष्ट हो जाए। बच्चे को अगर हृदय से लगन है माँ की गोद में जाने की, माँ की छाती से लगने की, तो झुनझुने की परवाह नहीं करता, फिर और जोर से रोता है, तो माँ बेटी से कहती है, बेटी जरा देखना वीर नु, देखना तेरा वीर बहुत रो रहा है, इसको चुप कराना। बहन भी प्रयास करती है हर तरह से, पर बालक पर असर नहीं होता, क्योंकि उसको तो ठीस ही अंदर एक और है माँ की गोद में जाने की। फिर माँ लाचार होकर के सारा काम छोड़ करके तुरंत आके बच्चे को अपनी गोद में ले लेती है, और बच्चा बड़ा सिसकियां ले ले करके रोता है। जिस बच्चे को माँ की गोद में आने के एक आनंद की एक लालसा है, वो माँ की गोद से चिपक कर सिसकियां ले लेकर रोता है, समझ में आता है कि ये वियोग की घड़ियों से संयोग का संतुलन कर रहा है, और इसे लगता है वो कितना दुखद था और ये कितना सुखद है। जो जीव आज के इस नववर्ष की घड़ियों में ऐसा संकल्प सोच लेगा, ए दाता दीनदयाल ये सब तेरा है और मैं भी तेरा हूँ और तेरे द्वारा ही ये सब होना है, तो वो सदा सदा वह कुर्बानी जो होनी चाहिए गुरु चरणों में कर सकता है, ऐसा मेरा ख्याल है। स्वामी ने बताया सेवाएं शुरू होने वाली हैं, उन्होंने नहीं बताई, एक मैं बताता हूं जो मेरी आदत है बताने की, और आप सब सुनते रहते हैं, हो सकता है ऐसा सोच तो मेरा दिमाग खराब है, इसलिए बात आगे नहीं करता हूं और नहीं नहीं यहां भी करना हमारा परम धर्म है। और उस मालिके कुल की तपोभूमि जहां भी आंगी सी नजर आती होगी कभी, और उनकी कृपा का बड़ा नजारा है वहाँ, और वहाँ उनका मंदिर गुरुदेव भगवान का बनना है, उनको मंदिरों की जरूरत नहीं है, जरूरत तो हमें है, उसका शिलान्यास होने जा रहा है 9 मार्च, जिसको हम तरस रहे थे, बहुत सदियों से वो घड़ी आ गई है, वहाँ शिलान्यास होना है,
और वहाँ शारीरिक सेवा की भी जरूरत है और आर्थिक सेवा की भी जरूरत है। अपील नहीं कर रहा हूँ, जब मिल जाएगा तो धन तो जाता है, इसलिए मैं आज इस नववर्ष की घड़ियों में संकल्प लेता हूँ आपके सामने कि दसवां हिस्सा तो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत छोटी सी बात होती है। 365 दिन होते हैं ना साल के, मैं तो 200 दिन साल में सेवा में रहूंगा, 165 दिन दुनिया में घूमूंगा, 200 दिन 365 में से, और जो मिलेगा संपूर्ण चरणों में वो भी चौथे हिस्से से ज्यादा लाकर, वैसे ब्लैक मिल रही है भी सारा ही लेना चाहिए, पर वो भी उन्हीं के चरणों में हाजिर करूंगा, ऐसा संकल्प लेता हुआ मैं प्रभु चरणों में समय के अनुसार गुड़ाऊ। गाना बजाना नहीं आता, पर हाजिरी लगे उनकी दरगाह में जो जीव हो जाता है उसका, वो अपने शब्दों से उनकी महिमा को नहीं गा सकता। ऐसा एक शब्द भजन को 10 मिनट का है, पर 5 मिनट में गाऊंगा, समय को संभालते हुए आप मेरा साथ देंगे। प्यार से बोलो जय तारा, बोलिए साचे दरबार वर्णन कला सिर्फ ताम तेरे हार के खेलेगा, मैंने कौन से खेले